हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? देखो बच्चों, सर पे टेंशन का मैंने पहला एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से अप्रोच दिए है मैंने, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भेज रहा हूँ, पहले देखना है बाद में ये देखो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ फिर। तो होप करता हूँ बच्चों पहला लेक्चर देखें आप। तो हम लोग आज सरफेस एनर्जी क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। इसके लिए पहले सरफेस टेंशन के कुछ कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन कुछ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को सरफेस टेंशन क्या होता है क्या नहीं पता लगेगा। जैसे कि बच्चों मैंने सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा था, याद होगा आपको, अगर नहीं देखा है तो लेक्चर दोबारा बोल रहा हूं, आई विल रिपीट, बच्चों वो लेक्चर देखो। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कि सरफेस टेंशन में बच्चों, जैसे कि मैंने ऐसा ही कोई शेप की चीज ले ली, उसको मैंने सोप बबल में डुबाया और एक ऐसी एक स्लाइडिंग वायर ली बच्चों, ये कौन सी है, स्लाइडिंग वायर है, ठीक है, ये है स्लाइडिंग वायर है, उसको ऐसे करते हैं और ये सोप सॉल्यूशन बच्चों, ये सोप सॉल्यूशन है, बात समझ में आ रही है। तो ये सोप सॉल्यूशन जो है मेरे पास, जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताना है बच्चों, इसमें जो वायर स्लाइडिंग है ये कहां, मतलब कैसे खींचेगी, इधर खींचेगी ऐसे। और बच्चों इसमें मैंने सोप का सॉल्यूशन रखा है, इधर कोई कुछ भी नहीं है, तो यहां पे कोई अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसके डिफाइन क्या होती है, मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो बच्चों ये सभी का सभी जो फोर्स है, ये फोर्स यहां लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल खींचते होंगे, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल खींचता होगा, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल, यहां वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को खींचते होंगे ऐसे। तो ऐसे हर जगह पे होता होगा ना, इधर वाले मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल्स इसको खींचता होगा, ये मॉलिक्यूल्स इधर खींचता होगा, ये मॉलिक्यूल इधर, मतलब सभी जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो सोप बबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल इधर खींचते होंगे। तो ये स्लाइडिंग वायर बच्चों इधर 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 ऐसे 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 आने लगेगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये जो एरिया है वो एरिया कम करना चाह रहा है, ये जो ऊपर वाला ये मिनिमाइज करना चाह रहा है, ये जो आपकी वायर है, जो वायर है, ये वायर जो स्लाइडिंग है इनवर्ड जा रही है ना, ये वायर जो है ये स्लाइडिंग वाली क्या कर रही है, तो इनवर्ड जा रही है, ठीक है, मतलब ये ऐसे 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 अंदर आएगी। आप बोलेंगे सर इधर इधर वाले कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं ना, तो इधर कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रह रहे हैं, इसलिए वायर ये स्लाइडिंग जो है ये इनवर्ड जा रही है। मतलब बच्चों इससे पता लग रहा है लिक्विड जो है, लिक्विड ये जो लिक्विड है, जो भी होगा सोप सॉल्यूशन होगा जो भी होगा, तो लिक्विड क्या कर रहा है, ये लिक्विड कर रहा है मिनिमाइज सरफेस एरिया, ये जो एरिया बच्चों इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको मिनिमाइज करने का, यहां पे इसको लग रहा है कि मिनिमाइज करो, कम 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 करो, बराबर है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो बच्चों ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली प्रॉपर्टी है यहां पे यूनिक, मतलब इसकी एक वाटर की या कोई भी चीज की जो होगी ये प्रॉपर्टी होगी आपकी, यहां पे आपके पास यूनिक टू फ्लूइड है ना, टू कोई भी फ्लूइड रहा तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका मिनिमाइज एरिया करा, ये एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैं कोई वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है मैं बता रहा हूं आपको, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा बच्चों इसका एग्जांपल, अगर पहले लेक्चर नहीं दिखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो वाटर है, जैसे कि मैं इस वाटर में सोप सॉल्यूशन डाल दू, ऐड कर दू, तो इसका सरफेस टेंशन होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर। मुझे बताओ बच्चों इस वाटर में मैंने सोप सॉल्यूशन डाला तो उसका सरफेस टेंशन कम हो रहा है, अरे वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है इसका कम है, ऐसे क्यों? देखो बच्चों, अब अपने कपड़े धुलाते हो,
है ना, हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे कपड़े भी धुलना पड़ते हैं, कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स तो धोते होंगे कपड़े, तो पता तो होगा आपको। बच्चों देखो हमारे जो कपड़े होते हैं ये ऐसे होते हैं, यस नेट 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 जैसे होते हैं, होते ही कि नहीं, होते ही कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता बच्चों कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते, जो गंदगी होती है हम बोलेंगे उसको, है ना, तो इसके इस पोर्स के अंदर जाएगी, जाएगी कि नहीं। और बच्चों इसमें जो होल्स होंगे हमारे शर्ट्स है या कोई पैंट है तो इसमें ऐसे नेट से बने वाली है कि नहीं, उसके अंदर ये जाते होंगे क्या पार्टिकल छोटे छोटे जो आपने आंखों से भी नहीं दिखते होंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होंगे, है ना, जो मैल होगा जो गंदगी होगी वो अंदर जाके बैठी है। अब इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के चिपके वाले, वो ऊपर से चले जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, इस जाली में नहीं जाएंगे, जाते होंगे लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ये जैसे कि मैं बता रहा हूं बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सरपटेशन वाटर की, तो ये ऐसे बबल्स बनाते हैं स्पीयर जैसे और एक दूसरे को चिपके वाले, इसलिए अंदर नहीं जाते होंगे, इसलिए हम लोग इसको कुछ डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ एक्सेल पाउडर, टाइट घड़ी, पता है ना, तो ये सोप सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों। ये सॉल्यूशन बनाने के बाद जब भी हम इसके अंदर डालेंगे तो बिखरे होंगे फिर वो पार्टिकल्स, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम हो रहा है। अब सरफेस टेंशन कम हो रहा है तो ये जो चिपके वाले थे ये एक दूसरे से दूर हो गए और जा रहे हैं अंदर। जैसे अंदर गए वहां के अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो गंदगी है उसको अपने साथ बाहर वापस लेके आएंगे। अब वाटर से भी कपड़े धुल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझो बच्चों, वाटर से भी आप कपड़े धो सकते हो, लेकिन जो गंदगी वो प्योरली बाहर नहीं आती, इसलिए हम लोग अलग अलग डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करके उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करते। देखो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है कि नहीं, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है ना, इसलिए मॉलिक्यूल को एक दूसरे से छोड़ दिया है, मतलब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम हुआ है, बात को समझो, सरफेस टेंशन जो कम हो रहा है मतलब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे, इसलिए इसमें जब भी जाती है जब भी वो जो डिटर्जेंट पाउडर के जो भी अपने सर पे टेंशन कम किया वो वाटर अगर जाता है तो अंदर जा सकता है, और अंदर जैसे गए वैसे उसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो डर्टी होंगे, जो भी गंदगी होगी वो साथ में लेके आते हुए, इसलिए सब सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, सर पे टेंशन क्यों पड़ रहे हैं हम लोग, कभी कभी सर पे टेंशन इंक्रीज भी करना पड़ता है, कभी डिक्रीज भी करना पड़ता है, ध्यान रखो। उसके बाद में बच्चों आपने कभी सुना है अपने घर वाले जो बोलते हैं, है ना, नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा, कि हॉट वाटर करो, क्या हॉट वाटर, हॉट वाटर में कभी कभी जो ब्लैंकेट होते हैं, पता है ना आपको, ब्लैंकेट को नहीं क्या हॉट वाटर में डालते, देख लेना, क्योंकि बहुत दिन हम लोग धोते नहीं ना, बहुत गंदगी होती, जो हॉस्टल में रहते ना बच्चे उनके तो बिल्कुल कपड़े भी सब कुछ, अपनी को मम्मी को पूछ लेना कि वो सभी की सभी हॉट वाटर में ही डालते, क्यों डालते बच्चों बताऊंगा। हॉट वाटर में बच्चों हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो बच्चों सरफेस टेंशन के लिए जो सिंबल है मैं टी इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग यस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेंशन डिक्रीज होता है बच्चों, क्यों आपको पता है कि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करो, देखो बॉइल करो पानी तो बबल्स आते ऊपर ऐसे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसलिए गर्म पानी में अगर अपने कपड़े धुलोगे या भीगने के लिए डालोगे तो इसका जो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसलिए पानी के मतलब वो कपड़े के अंदर पानी जाता है पूरा के पूरा। अब जब भी पानी जाए बच्चों अंदर के मॉलिक्यूल्स को, अंदर की जो डर्टीज है, जो डस्ट पार्टिकल, उसको बाहर लेके आएंगे वो, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बच्चों। जैसे कि आपको पता होना चाहिए बच्चों मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन है 0.4, बहुत ज्यादा है बच्चों, देखो ये सबसे कम, इससे ज्यादा, सॉरी सरफेस टेंशन ये है सबसे, यहां पे मर्क्यूरी का ज्यादा है, सॉरी मर्क्यूरी का ज्यादा है। तो देखो मर्क्यूरी के आपने कभी देखे बबल, छोटे छोटे बबल्स में टूटती वो मर्क्यूरी, और उसके जो बबल होते ना वो स्पेरिकल, एकदम अच्छी स्पेरिकल होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। अब एक मर्क्यूरी का ऐसे बूंद डाल के देखो और वही बूंद पानी का, तो पानी का थोड़ा चपटा होता है ऐसे, थोड़ा बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा चपटा होता है, और इसका जो होता है एकदम स्पेरिकल, ऐसा लगता है कि बस कितना अच्छा लगता है ना वो, बिल्कुल जैसे कि कोई ऐसे स्टील की गोटी हो, कुछ हो ऐसे लगने लगता है, तो इसका सर पे टेंशन ज्यादा है बच्चों, बात समझ में आ रही है। हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि हम लोग सर पे टेंशन क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि सर पे टेंशन कभी कम भी करना पड़ता है, कभी ज्यादा भी करना पड़ता है,
है ना, जैसे कि हम लोग ब्रश करते, ब्रश करते हुए देखो हम लोग इसके ऊपर प्रेशर देते हैं, फोर्स देते, जैसे फोर्स दिया देखो ब्रश जब करते हैं तब वो पेस्ट का पूरा के पूरा ऐसे ऊपर आने लगता है, मतलब सर पे टेंशन डिग्रीज होता है, और हमारे मुंह में जाने के बाद जो छोटे छोटे होल्स है अपने दांतों के अंदर होते हैं ना, तो उसके अंदर जाके वो जो बैक्टीरिया है उसको मारते हैं। इसलिए हम लोग यहां पे सर पे टेंशन डिग्रीज करने का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं, बराबर है, वही तो कॉन्सेप्ट है ना उसमें भी, कि जो पेस्ट करते हैं, जो भी हम लोग पेस्ट से जो ब्रश करते हैं, ब्रश करने से वो पूरा मुंह में ऐसा फैल जाता है और जितनी भी गंदगी उतनी बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो केमिकल है, केमिकल में थोड़ा भी उस मॉस्किट को जो भी अपनी बैक्टीरिया होंगे उनको थोड़ी भी स्मेल भी आ गई तो मरते होंगे वो, बराबर है। तो बच्चों सर पर टेंशन हम लोग बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके आपको पढ़ा सकते हैं, बात समझ में आ रही बच्चों? बढ़ना आगे हम लोग देखने वाले बच्चों सरफेस एनर्जी क्या होती है। हमने पढ़ा इसमें कि ये जो लिक्विड है बच्चों, ये लिक्विड अपना जो एरिया है वो सरफेस एरिया मिनिमाइज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, कैसे करता है ये बताना है बच्चों। आपको पता लगा कि यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो उसका एरिया मिनिमाइज होता है, सरफेस एरिया मिनिमाइज होना, इसी चीज को हमने सरफेस टेंशन बढ़ा। लेकिन ये सरफेस एरिया मिनिमाइज क्यों करता है, किस लिए करता है, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अभी सरफेस एनर्जी, आज हमारा हेडिंग जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो बहुत हल्की सी फुल्की सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक अपने क्वेश्चन तक नहीं पहुंच गए बच्चों, जो बोर्ड में क्वेश्चन होता है वो तक नहीं पहुंच रहे, हम लोग सीईटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, नीट जेईई के लिए कॉन्सेप्ट देख रहे। तो देखो बच्चों मेरे पास एक जार है और इस जार में मैंने वाटर रखा है, ठीक है? इस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, इस मॉलिक्यूल के यहां पे आसपास कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अट्रैक्शन लगाता होगा, बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब ये अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भी अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है? ये भी अट्रैक्शन लगा रहा है, देखो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको भी, ठीक है? ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट करता होगा, बात समझ में आ रही बच्चों? तो सब तरफ से ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक तो फोर्स, मतलब इसको अट्रैक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा, कोई भी आपको जो भी लगता है वो, मतलब ये जो है बच्चों ये बल्क, ये बल्क है, मतलब अंदर पूरे वाटर के अंदर है। तो बच्चों सब तरफ से फोर्स होने के कारण इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अरे वाटर के अंदर है ना, तो सब तरफ जो फोर्स है, सब तरफ फोर्स लग रही है, इधर इधर सब तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इक्वल फोर्स होगी ना बच्चों। इस फोर्स के लिए मैंने बोला था कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स, क्या होता है, मैंने इसके टाइप्स भी लिख के दिए थे, याद है आपको, कोहेसिव और एडिसिव। तो यहां पे कोहेसिव फोर्स है बच्चों, कोहेसिव, आई विल रिपीट, कोहेसिव फोर्स है, सब तरफ सेम मॉलिक्यूल की या सेम सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसको नेट फोर्स जीरो होगी। बच्चों आप लोग सोचो, समझो यही मॉलिक्यूल्स अगर यहां होता तो, या दूसरा मॉलिक्यूल्स होता तो क्या लग रहा है आपको? ऊपर वाले तो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल का फोर्स हम निग्लिजिबल समझ रहे हैं, बात को समझो बच्चों, एयर मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है लेकिन निग्लिजिबल है। यहां पे कोई मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल इधर खींचता होगा, यहां पे कोई एक मॉलिक्यूल ये इधर खींचता होगा, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स बच्चों इधर खींचता होगा, यहां पे जो मॉलिक्यूल इधर खींचता होगा, यहां जो मॉलिक्यूल इधर, रिजल्टेंट जो फोर्स है बच्चों, इस पे जो सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, आप सोचो कहां लग रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, अंदर नीचे खींच रहा है इस फोर्स को। आई विल रिपीट बच्चों, इस पे देखो सरफेस एनर्जी पढ़ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अंदर वाले जो बल्क मोड, मतलब बल्क यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स होगा इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स यहां पे जीरो होता है। लेकिन जो सरफेस पे हो, क्योंकि सरफेस एनर्जी पढ़ना है हमको, तो इस सरफेस पे एक फोर्स है, और वो जो फोर्स बच्चों इसका नेट फोर्स अगर देखा है आप लोग, सरफेस पे जो नेट फोर्स है वो पूरा के पूरा कहां है, डाउनवर्ड फोर्स है, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो नीचे खींच रहे होंगे उसके मॉलिक्यूल्स, ऐसे एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर दिए, तो ये पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स है बच्चों ये नीचे डाउनवर्ड खींचने चालू कर दे। तो बच्चों यहां पे जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, आपको दिखाई तो दे रहा है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके। तो बच्चों ये जो फोर्स है पूरे जो सरफेस है, सरफेस के मॉलिक्यूल जो है, मतलब ये जो सरफेस, देखो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे, कौन सा, डाउनवर्ड
फोर्स लगा रहे, सब डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे खींचना चालू कर, मतलब ये जो मुंह हो रही, ये मॉलिक्यूल्स मुंह लिखेंगे, मुंह डाउनवर्ड, सब डाउनवर्ड मुंह हो रहे। अब ये सभी मॉलिक्यूल जैसे जैसे यहां पे मुंह होंगे बच्चों, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स नीचे आएगा, अब वहां पे वैकेंसी हो जाएगी। अरे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आता है तो वहां पे कुछ एम्प्टी स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा? अब एम्प्टी स्पेस बन गया तो यहां से कोई मॉलिक्यूल्स वहां जाएगा, अब किसी को जाना है तो वहां पे उसको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देख बच्चों, ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? जैसे नीचे आ गए वैसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना पड़ेगा, वो एम्प्टी स्पेस को फिलअप करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन बच्चों, इस फिलअप करने में एक बात ध्यान में रखना है बच्चों आपको, एक नीचे से किसी को फोर्स देना पड़ेगी, मतलब जैसे कि एक कोई तो मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, इसको ऊपर जा रहा है मार्कर को, तो मुझे फोर्स देना पड़ेगी ना इसे, मतलब वर्क करना पड़ेगा। यहां पे वर्क करना बहुत जरूरी है बच्चों, और इस वर्क कहीं से कहीं तो करना पड़ेगा ना, मतलब वर्क किया तो ही ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने वाला है। तो बच्चों, इसमें क्या हो जाता, वर्क हो जाता और ये मॉलिक्यूल्स ऊपर, बाद में सरफेस एनर्जी और डाउनवर्ड वापिस और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करना चालू हो जाता है। यहां पे कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस उनकी चालू ही रहती है। बात समझ में आ रही बच्चों? द लिक्विड सरफेस कंटिन्यूअसली यहां पे टर्बुलेंस हो जाते हैं, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पे सरफेस एनर्जी ज्यादा हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बच्चों, यहां पे आपको क्या देखा कि अंदर तो कुछ होता नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स है वही नेट फोर्स उसकी जीरो होती है, सरफेस एनर्जी जो होती है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाउनवर्ड फोर्स होने के कारण यहां पे ये मॉलिक्यूल नीचे, नीचे वाला ऊपर, अब नीचे वाला ऊपर लेना है तो कुछ वर्क डन होता होगा, कुछ तो फोर्स लगती होगी, किसी को पुशअप करना पड़ता होगा, है ना? तो बच्चों, इसमें क्या हो जाता है कि ये नीचे ऊपर ऐसे जूम 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 मॉलिक्यूल टर्बुलेंस होने लगते हैं, मतलब ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स होने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे बच्चों, जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये, इसके पास मोर एनर्जी होती है बल्क मॉलिक्यूल्स से। मतलब एक बात सीखने को मिल रही बच्चों, तो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, क्या यहां पे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव More energy than bulk molecule. बात समझ में आ रही बच्चों आपको? ये जो bulk molecules है, इससे इस molecule के पास जो energy है वो extra है, energy वो extra, इसलिए तो हम लोग surface energy पढ़ रहे बच्चों, extra energy है। और ये जो extra energy है, मतलब यहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पे जो liquid surface है, कौन सा लिक्विड सरफेस के पास, क्योंकि ये तो स्टेबल है, नेट फोर्स जीरो है, डाउनवर्ड फोर्स हो रही है, डाउनवर्ड फोर्स होने के कारण ये नीचे आता होगा, नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे, ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसका मतलब लिक्विड सरफेस के पास बच्चों एक बात सीखने को मिल रही, मोर एनर्जी। कैसी एनर्जी है? बहुत ज्यादा एनर्जी। कहां? सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे यहां पे मोर एनर्जी बच्चों, मतलब मोर एनर्जी है तो हम लोगों को बच्चों इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो किसी मॉलिक्यूल को, किसी सरफेस को अगर स्टेबल करना है, कैसे करना है स्टेबल, तो बच्चों इसकी जो लीस्ट एनर्जी करना पड़ेगी, लीस्ट एनर्जी समझते हो, मतलब इसकी कम एनर्जी करना पड़ेगी अगर स्टेबल रहना है तो, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, मतलब कम सरफेस एरिया रखना पड़ेगा। और कम सरफेस एरिया रखने के कारण बच्चों ये एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को नजीब बुला रहा है, ऐसे जूम 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 खींच रहा है सरफेस। अरे बच्चों, मुझे स्टेबल करना है ना, तो लीस्ट एनर्जी मतलब कम एनर्जी, अपने सरफेस पे कम मॉलिक्यूल रखना चाहता है, ज्यादा नहीं। तो बच्चों क्या करेगा, सभी मॉलिक्यूल्स को ऐसे मिनिमाइज करता रहेगा, इसका जो एरिया है कम करने की कोशिश करता होगा, मतलब लिक्विड सरफेस क्या करता है ये, तो देखो लिक्विड जो सरफेस है ना, ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया करेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? लिक्विड सरफेस जो है ट्राई करेगा टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। बच्चों इसी चीज को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो क्या हो रहा है, लिक्विड सरफेस ही है, लिक्विड सरफेस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्यों ज्यादा है,
क्योंकि बच्चों ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है, ये तो स्टेबल है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, बल्क मॉडुलस के पास, जो बल्क सॉरी इलास्टिसिटी पढ़ाना, इसलिए पूरा की पूरा माइंड में वही आ रहा है। तो यहां पे कोई इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यहां पे, नेट फोर्स, इसलिए नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ऐसे कंटिन्यूअसली उनकी कंडीशन चालू बच्चों। तो लिक्विड सरफेस जो है उनके पास मोर एनर्जी बच्चों, ज्यादा एनर्जी है, और मैं तो चाहता हूं स्टेबल, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना होना चाहिए। कम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहते हैं हम, सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स रखना चाहते हैं, तो इसलिए स्टेबल करना है, लीस्ट एनर्जी बच्चों। तो वो क्या चाहता है, जो सरफेस है ऊपर वाला, वो लिक्विड सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम रखना चाहता है। तो मिनिमाइज ट्राई टू मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब सरफेस टेंशन आ रहा है बच्चों इसके ऊपर। एक सोप फिल्म भी होती है इसकी, एक सरफेस फिल्म बोलते बच्चों इस चीज को, ये जो चीज है ना, ये सरफेस फिल्म। और ये जो है बच्चों, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहेव लाइक, है ना, स्ट्रेच इलास्टिक। बच्चों आपने देखा होगा रबर बैंड होता है, रबर बैंड, इसके ऊपर देखो ऐसे स्ट्रेच करो उसको, तो कैसे लगता है, जैसे कि कोई जिम्नास्टिक वाले वो जंप नहीं क्या करते और उससे जूम जूम नीचे ऊपर, कोई मॉल में जाते होंगे तो वहां पे बच्चे खेलते होंगे, देखा होगा आपने, वैसे ऐसा सरफेस फिल्म बनेगा बच्चों, इसकी सरफेस फिल्म बनेगी। और ये स्ट्रेच इलास्टिक जैसे काम करता है, इसलिए तो बच्चों छोटे छोटे मॉस्किटो जो होते हैं वाटर के ऊपर चल सकते हैं कि नहीं, अरे वाटर के ऊपर चलते हैं कि नहीं, वहां से जूम 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 ऐसे चल सकते, क्यों, क्योंकि बच्चों ऊपर वाला नहीं क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे कि रबर बैंड कैसा होता है, इस रबर बैंड के ऊपर जैसे कि बच्चों जो जिमेस्टिक वाले जो बच्चों जंप मारते वैसे जंप नहीं कर सकते बच्चों, ऐसे चल सकते हैं, वो पार्ट अलग है कि हमारा बैलेंस नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन होगा ये बात, बात तो समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बच्चों, बढ़ना है क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बच्चों देखो यहां पे क्वेश्चंस कैसे आता है, बात समझ में आ गई बच्चों कि ये मिनिमाइज एरिया क्यों करना चाहता है, क्योंकि बच्चों यहां पे सरफेस पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण वो स्टेबल करना चाहता हूं मैं, और स्टेबल करना है तो लिस्ट एनर्जी लगेगी, लिस्ट एनर्जी मतलब क्या बच्चों, तो यहां पे आपको पता लगा है कि मिनिमाइज सरफेस एरिया करना पड़ेगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में इसमें कन्वर्ट हो गया, मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता हूं इसके कारण। तो आप हम लोग देखो क्वेश्चन कैसे आने वाला बोर्ड में, डिफाइन सरफेस एनर्जी, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये सवाल है हमारे पास। तो देखो बच्चों मैंने अभी के अभी ये लिया था पार्ट, ठीक है, इसमें मैंने लगाई है सोफी, ओके, इसकी लेंथ है बच्चों यल, ये भी यल है और ये भी यल है, मतलब ये रेक्टेंगल जैसी चीज है, और इसमें मैंने ये सोफ बबल रखा है, बात समझ में आ रही बच्चों, इसको हटा के यहां पे मैंने ऐसी फोर्स लगा के इस चीज को लेके आया हूं यहां पे, मैं डाई निकाल रहा बच्चों, कोई टेंशन, समझ में आ रहा है बच्चों। और इस चीज को मैंने बोला बी, इतना मैंने शिफ्ट किया, बात समझ में आ रही है, ओके, नाम भी दे सकता हूं ए बी सी डी, तो ये बी डैश होगा और ये सी डैश, बात समझ में आ रही बच्चों। यहां पर जैसे ही अपने इधर खींचा उसको ऐसे खींच रहे थे, वैसे इधर भी फोर्स लगती होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, तो ये जो है ये पार्ट इधर खींचेगा और मैंने इधर खींच लिया उसको, बात समझ में आ रही बच्चों। मैंने कुछ नहीं बच्चों इसके ऊपर ये जो स्लाइडिंग वायर जो इसको ऐसे खींचा, जैसे खींचूंगा वैसे इधर भी फोर्स लगेगा, कौन सा, अरे बच्चों ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, जूम 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 अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, मैं इधर खींच रहा हूं बच्चों। तो बच्चों इसके ऊपर टेंशन वाली एक फोर्स लग रही है और टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहां पे यल है तो या फीज इक्वल टू बच्चों टी इंटू यल बन रहा है कि नहीं, लेकिन बच्चों मैं एक टू लिखूंगा यहां पे। अब ये टू कहां से आ गया बच्चों, जैसे ऊपर वाला सरफेस होगा वैसे बैक भी, अरे बच्चों ये बोर्ड है, ये बोर्ड है कि नहीं, इस बोर्ड का जो सरफेस ये है वैसे इसके पीछे का भी सरफेस होगा कि नहीं, इसके पीछे भी एक सरफेस है कि नहीं, तो टू इसलिए लगा है, बात समझ में आया। ये फोन है, अभी मैं यहां पे शूटिंग ले रहा हूं, कैमरा है आपका फेस ये है और मेरा बैक वाला फोर्स लगेगा कि नहीं यहां पे भी, अगर मुझे ढकलना है तो बच्चों यहां पे सरफेस भी लग रहा और बैक साइड में भी लगेगा, तो टू क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि टू सरफेस इंडिकेट करेंगे यहां पे बच्चों, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन, कोई टेंशन है, बढ़ना है बच्चों आगे, समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, तो हम लोग ने किया यहां पे
एक काम करने वाले हैं, पहले सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया क्या है, देखो इनिशियल जो सरफेस एरिया, इनिशियली मतलब ये छोड़ दो, मैंने पहले जैसे रखा था वैसे, जैसे सोप बबल में डुबा के यहां पर रख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों ये यल है, यल है तो यल स्क्वायर बनेगा। अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, साइड का स्क्वायर, यल इंटू यल, यल स्क्वायर। और जो फाइनल है बच्चों, फाइनल देखो, फाइनल जो सरफेस एरिया है वो कितना है, आप बोलेंगे सर दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, ये साइड है बच्चों मेरे पास यल, और ये यल प्लस बी, बात समझो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो कैसे पूछेंगे सर, डायरेक्टली पूछ सकते तो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों, दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, लेंथ इनटू ब्रीथ, अब लेंथ है समझो जो भी है, आई डोंट, दिस साइड है यल और ये यल प्लस बी है बच्चों, बात को समझो, मुझे निकालना है बच्चों, देखो इसको कर सकते हैं यल स्क्वायर प्लस यल गुना बी, बात समझ में आ रही है बच्चों, मुझे निकालना है चेंज इन एरिया, क्या निकालना है, चेंज इन एरिया, चेंज क्या होता है बच्चों, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया, चलो फाइनल है मेरे पास यल स्क्वायर प्लस यल गुना बी माइनस यहां पे यल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है, देखो फाइनल है ना यल स्क्वायर प्लस यल गुना बी और इनिशियल यल स्क्वायर, तो यल माइनस ये खड्डे में तो यल गुना बी, ये है मुझे बच्चों मिला है चेंज इन एरिया, कोई टेंशन है क्या बच्चों, मैं यहां पे लिख सकता हूं टू यल गुना बी लिख सकता हूं, टू क्यों लिखा है समझ में आ गया, दो सरफेस है इसलिए दुगुना कर दिया बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, अभी जो देखा हमने कि स्वरूप जो ऊपर सरफेस एनर्जी होती है वर्क हो रहा है ना, ये तो वर्क होता है पता आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही है, तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है बच्चों यहां पे, ये फोर्स है मेरे पास 2t इनटू यल, और जो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने यहां से यहां, यहां से यहां, देखो बी इतना डिस्प्लेस किया मैंने, इस जो भी आपकी स्लाइडिंग वायर है इसको डिस्प्लेस किया, क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं यहां पे टी टू यल क्रॉस बी लिख सकता हूं, बात समझ में आ रही बच्चों, लेकिन टू टी टू यल गुना बी ये तो चेंज ही नहीं रहा है, और चेंज इन एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों ये डी ए लिखेंगे, डी ए चेंज इन एरिया, ऐसे लिख सकते डी ए लिखो जो भी लिखना है लिख सकते हो, चेंज इन एरिया लिख सकते हो, तो वर्क इज इक्वल टू बच्चों टी इंटू डी ए लिख सकते हो, अरे ये इसकी वैल्यू डी ए लिखी, कुछ लोग ए लिखते होंगे तो लिखने दो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बच्चों ये जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है ये किस में हो रहा है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि यहां पे सरफेस पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, अभी देखा हमने मोर एनर्जी होती है, मतलब ये जो वर्क करेंगे हम लोग, मतलब बच्चों कोई जैसे कि पानी है, पानी में हम लोग ने ऐसे एक मतलब एक उंगली डाल दो, तो मैंने वर्क किया है इस पे, तो उसके बबल्स नहीं क्या नीचे से ऊपर ऊपर नीचे ये टर्बुलेंस होने लगता है फिर, क्योंकि ऊपर सरफेस फिल्म बनी थी ना, ऊपर पूरे सरफेस फिल्म बनी थी बच्चों, तो इसको लिख सकता हूं मैं वर्क इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, ये टी इंटू डी ए, तो बच्चों लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय डी ए, या कुछ लोग सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय ए भी लिख सकते हैं, ये चेंज नहीं रहा इसलिए डी ए इस्तेमाल किया, मतलब बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था सरफेस एनर्जी का और सरफेस टेंशन का रिलेशन नहीं मिला है, मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, या सरफेस एनर्जी की यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, है ना, ये सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, तो टी इज इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी डिफाइन बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल द सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी है ना, तो सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो इसका एस आई यूनिट भी लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं मुझे, सरफेस एनर्जी का एनर्जी इसलिए जूल में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में,
बच्चों इसके डायमेंशन निकालना है तो लिख रहा हूं मैं आपको, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों ये डायमेंशन एनर्जी जब भी हो m1 l2 t माइनस टू करना है और डिवाइडेड बाय l2 है तो दिस गेट बी कैंसल तो इसके मिल रहे m1 l0 t माइनस टू। मतलब बच्चों सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के डायमेंशन सेम है। आई विल रिपीट बच्चों, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के डायमेंशन सेम है, इसलिए इनके रिलेशन में लिखते हैं ऐसे, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस सरफेस टेंशन लिखते हैं। देख लेना बच्चों ये रिलेशन बनता है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करो, ये 3 मार्क के लिए सवाल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है तो इसकी डिफाइन कैसे बनाएंगे, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इक्वल द सरफेस एनर्जी, इसकी डिफाइन हो गई। डायग्राम ड्रॉ करो और ये फार्मूले आपको 100% 3 में से 3 मार्क मिलेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन, लिख लो बच्चों अच्छी तरह से, नोट डाउन करना है आपको। यहाँ पे बच्चों मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे रखे, देखो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं ना। कैलकुलेट द वर्क डन ब्लोइंग द सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इन एयर, सरफेस टेंशन वाला 0.025 न्यूटन। मतलब बच्चों एक सोप बबल है, ठीक है, इस सोप बबल का जो रेडियस बच्चों वो है मेरे पास 3 सेंटीमीटर और इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन है बच्चों वो है 0.025 न्यूटन। आपको आर को 3×10⁻²⁻² करना चाहिए क्योंकि ये न्यूटन है बच्चों, ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। मुझे वर्क डन का फार्मूला याद होना चाहिए जो हम लोग हमेशा अभी पढ़ रहे आ रहे हैं कि एरिया इंटू टेंशन। अरे अभी तो हुआ ना सरफेस एनर्जी, अभी तो हुआ है, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू, मुझे वर्क डन निकालना है, एरिया इसका 4πr², अरे स्पेरिकल है ना तो स्पेरिकल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये टेंशन। तो वर्क इज इक्वल टू 4π की वैल्यू 3.14, आर के बच्चों मेरे पास 3×10⁻², और टेंशन है बच्चों 25×10⁻⁴। बात समझ में आ रही बच्चों, देखो सॉरी -3 शिफ्ट किया मैंने 1, 2, 3 10⁻³। बात समझ में आ रही है। चलो तो वर्क इज इक्वल टू बच्चों हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करके ले रहे, 16 × 1 मतलब ये हो गया 5, ठीक है ना, 12 तो 12.56 ये हो गया इसका स्क्वायर बच्चों 9×10⁻⁴25×10⁻³ तो आपको 12.56 ये 25×9 25×9 = 225 10⁻⁷ तो वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको आंसर मिलना चाहिए वो आना चाहिए 5.6 है ना 5.6 × 10⁻⁴ एनर्जी वर्क है इसलिए जूल में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन है? अरे सिंपल सी बात है, कुछ ही नहीं, मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, दिखाऊंगा मैं, देखो सिंपल कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2.25 × 10⁻⁻ यहाँ पे कितने शिफ्ट किया, 2 मतलब 5, अभी ये इसके दुगना है कि नहीं, अरे 12.5 × 2 = 25 तो अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख दो यार। बात समझ में आ रही है, तो इसी से मैंने कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करो 5.652 एक्चुअली ये मिल रहा है लेकिन मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए -4 जूल। बात समझ में आ रही है बच्चों, सिंपल कहानी है, ज्यादा हार्ड कहानी बनानी नहीं है, ओके समझ में आएगा बच्चों। देखो रेडियस है, वर्क डन का फार्मूला आपके पास, उसके बाद में मैंने यहाँ पे वर्क का फार्मूला डाल के यहाँ पे इसके कैलकुलेशन बनाया। नीचे और एक सवाल दे चुका हूं बच्चों मैं, वो सवाल ये है आप लोगों को 2 बबल्स दी वाले अलग अलग बबल्स है और दोनों का जो रेडियस है वो भी अलग है बच्चों। देखो 2 बबल्स ऑफ रेडिया मतलब 2 बबल्स का जो रेडिया है वो अलग अलग दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया मैंने, 2 बबल्स ऑफ रेडिया प्रोपोर्शनल दिए वाले 2:6 कंपेयर द वर्क डन ब्लोइंग देम। तो बच्चों आपको वर्क डन पता है, वर्क डन का फार्मूला होता है हमारे पास 2AT। अरे सो बबल है ना, बबल को 2 सरफेस होते हैं,
जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा फेस है और ये मेरा बैक है, दो सरफेस है ना, इसलिए टू क्यों लगाया समझ में आया। अब बोलेंगे सर पहले फार्मूले में टी इंटू ए लिखा, अब टू क्यों लिख रहे, क्योंकि सब बबल को दो सरफेस होते हैं। तो वर्क टू एरिया जो है बच्चों इसका वो होता है 4πr² × p। बात समझ में आ रही बच्चों, 4πr² का, क्योंकि बबल है स्पेरिकल फॉर्म में, स्पीयर है ना ये, और स्पीयर का एरिया होता है 4πr² और सर पर टेंशन दोनों का सेम होगा बच्चों, वर्क डन ब्लोइंग देम। तो इसलिए बच्चों हमारे पास वर्क और रेडियस का ही यहां पे हम लोगों को कंपैरिजन करना है, क्योंकि टू, अब ये तो बात समझ में आती होगी कि यहां पे 8πr² t, 8π कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, आर के साथ हमारा रिलेशन है। तो वर्क डन फर्स्ट, तो रेडियस के भी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट बबल के लिए। सेकंड बबल के लिए ये कर सकते हैं हम लोग, ये करेंगे, कोई टेंशन है बच्चों। और यहां पे हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी दी वाला है, r1/r2 का रेशियो है 2/6, है कि नहीं, देखो ना, टू बबल्स ऑफ रेडियस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 1 और ये 3, मतलब इनका रेशियो मिला है। क्या बच्चों हम लोग यहां पे कर सकते हैं वर्क फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो यहां पे r1/r2, लेकिन बच्चों इसका स्क्वायर है, याद रखना इनका स्क्वायर है, ठीक है। तो वर्क डन फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू r1, फर्स्ट का रेडियस है मेरे पास 1 और सेकंड का 3, इनका रेशियो ही है बच्चे एक्चुअली हमारे पास, और इसका स्क्वायर है। तो वर्क डन फर्स्ट इंटू सेकंड, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9, मतलब बच्चों लिख सकते हैं हम फर्स्ट वर्क इज टू सेकंड, इनका रेशियो 1:9 बन रहा है, ये रेशियो मिल रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन बच्चों। इसके बाद में हम एक्सेस प्रेशर जो बबल के ऊपर या ड्रॉप के ऊपर, एक्सेस बबल के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होता है, क्या होता है, सर पर टेंशन कितना लगता है, उसकी डिटेल में अप्रोच दूंगा बच्चों। इस सरफेस एनर्जी का डिटेल में अप्रोच देने की मैंने कोशिश की, एज कंपेयर टू द, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा अप्रोच देने की कोशिश की। क्वेश्चन ओनली यही होगा बच्चों इसके ऊपर, डिफाइन द सरफेस एनर्जी, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, या गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी सवाल आ सकता है। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है बच्चों, अच्छी तरह से सवाल बनाना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखना है। तो बच्चों आगे बढ़ते रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।